हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं डेली बेस पे हम कंप्यूटर का सेशन यहां पे चला रहे हैं और यहां पे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे लूसेंट से क्वेश्चन तैयार किए गए, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएंगे। चाहे स्टेट में कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अधीक्षक, सारा छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, साथ ही साथ बहुत सारे वैकेंसी अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं तो लगभग सभी एग्जाम को कंपलसरी है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा सारे, साथ ही साथ आप रिवाइज करते चलिए क्लास को, और उसका प्ले लिस्ट मैं बनाती हूँ तो आप पार्ट वाइज वहाँ पर आप देख सकते हैं। लगभग आज 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, तो 500 क्वेश्चन जस्ट होता है। उसके बाद मैं आपको फ्री में ऐप बताऊंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस लगाने स्टार्ट कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। साथ ही साथ आपको बहुत यहाँ पे 500 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो हम लगभग 390 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे, तो 391 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तो किससे सुरक्षा करती है? जो कंप्यूटर में जो आप पासवर्ड चाहे मोबाइल में पासवर्ड लगा रहे थे, तो पासवर्ड आपके कौन से चीज़ को सुरक्षा करती है? तो हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, या तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हम करेक्ट आंसर यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी को पता है पासवर्ड कितना इम्पोर्टेंट रखता है आपके, चाहे फ़ोन में हो चाहे कंप्यूटर, तो पासवर्ड जो है आपके बहुत ही आपका एक तरह का देखें तो आपके सुरक्षित रखता है आपको। चाहे आप आजकल देख रहे हो गूगल पे, फ़ोन पे में सभी आपको पासवर्ड लगा रहते हैं, आप फ़ोन में लॉक लगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका पासवर्ड फ़ोन में, कंप्यूटर में। तो ये आपका जो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन, मतलब कहने का जो आपका जो नुकसान से चीज़ को या आपके खास करके इसको बचाता है, मतलब सुरक्षा सुनिश्चित कराता है करने का, मतलब भाई आपका पासवर्ड प्रबंधक का ये आपका उपयोग किया जाता है इसके खास करके लिए। तो इसको याद रख, पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित, हमें सुरक्षित करने के लिए इस खास करके इसको उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल को सहायता से भेजा जाता है, ये आपका कहलाता है मॉडेम कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, माउस कहलाता है, आपका OCR। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडेम। आपका मॉडेम क्या होता है? मॉडेम अगर इसको मैं समझाऊँ तो ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके जो प्रयोग आपका जो एनालॉग जो सिग्नल वगैरह डिजिटल सिग्नल में, खास करके इसको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में इसको चेंज करने के लिए, इसको परिवर्तित करने के लिए खास के उपयोग किया जाता है। तो इसके नेटवर्किंग डिवाइस एक तरह से आम भाषा में समझेगा तो आपके टेलीफोन माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से इसको भेजा जाता है, मॉडेम आपका नेटवर्किंग डिवाइस है आम भाषा में शब्द समझते, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं? तो ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, या आपका डी है ये सभी। तो आप वीडियो मेल से आपके क्या भेज सकते हैं? तो ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, फोटोग्राफी इसमें साथ ही साथ भेज सकते, पिक्चर वगैरह, इमेज वगैरह, तो यहाँ पे फोटोग्राफ सभी यहाँ पे भेज सकते हैं। वीडियो क्लिप्स, छोटे छोटे क्लिप्स, यहाँ पर पूरा आप तो नहीं भेज सकते, छोटे छोटे जो क्लिप्स वगैरह होते हैं जैसे आजकल शॉर्ट वगैरह चल रहे हैं इंस्टा वगैरह यूट्यूब में, तो आपके ये शॉर्ट्स आप यहाँ पे वीडियो क्लिप्स यहाँ पे डाल सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो मैसेज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपका ये डी, ये सभी आपके वीडियो मेल में आप भेज सकते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक कंप्यूटर यूज करने वाला जो देश कौन सा है? तो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, या ब्रिटेन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोला जाता है। तो सर्वाधिक विश्व में बोला गया है ना, भारत में नहीं। तो भारत का अगर मैं बात करूँ तो भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका 19वां स्थान है, याद रखिएगा। और भारत में आपका मुंबई हो गया, मुंबई सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयोग करता है अगर सिटी में बात करूँ, भारत में ना, तो भारत 19वां क्रम में है। अगर सिटी में बात करूँ तो आपका जो मुंबई सिटी है सबसे पहला है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो विश्व में पूछे तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ के जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हमारे जो भारतीय मूल के कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे यह जो दिवस है कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर या 19 दिसंबर को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल हम वर्ल्ड कंप्यूटर जो लिटरेसी डे है 2 दिसंबर को हम मनाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो डेट को याद रखिएगा, 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे या आपको कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दुनिया में सभी लगभग कोने कोने में आपके लोगों को जागरूक करने के लिए, विशेषकर भारत में बच्चों महिलाओं को भी, आपके तकनीकी कौशल के यहाँ पे लोगों तक पहुँचाया जाए, इस तरह से आपके साक्षरता लोगों को जागरूक करने साक्षरता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सबसे पहले कब मनाई गई थी अगर एग्जाम में पूछे तो 2001 में सबसे पहले इसको कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया था। तब से हम इसको मनाते आ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कल्पना चावला, कोलंबिया, ब्लू चीन या आपका डी है परम? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी? इसका बी ऑप्शन कोलंबिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा क्या चीज़ है? नासा जो है आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो इसको शॉर्टकट में नासा बोलते हैं। अमेरिका की स्पेस कंपनी, जैसे हमारा भारत का इसरो स्पेस कंपनी, वैसे ही आपका नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब किया था नासा का? तो 1958 में, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और अभी इसका जो मुख्यालय कहाँ पे अगर पूछे तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जो कोलंबिया है आपके नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन वैली आपका कौन से शहर को जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछा गया है, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या आपके चेन्नई को? तो इसका तो सभी को पता होगा आंसर इसका, तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे बहुत सारी जितने भी आईटी कंपनी वगैरह है तो सभी यहाँ पे सिलिकॉन यहाँ पे निर्माण किया जाता है, तब से इसको सिलिकॉन वैली के रूप में इसको जाना जाता है। बेंगलुरु के मतलब उपनाम इसको दिया गया है, तो इसको याद रखें। तो बेंगलुरु में अर्धचालक उद्योग के लिए इसको केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, तब से इसको सिलिकॉन वैली के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका एनियक, डीप, सिद्धार्थ या आपका परम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर एनियक हो जाएगा, याद रखिएगा। एनियक अगर इंग्लिश में ऐसा लिखा रहेगा तो इसको एनियक पूछा, अगर इच्छा फुल फॉर्म अगर पूछते तो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड अ कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए। कौन से उद्देश्य के लिए इसको डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को इसको बनाया गया था? तो खास करके लिए डिजिटल यहाँ पर डिजिटलीकरण और साथ ही साथ यहाँ पे गणना करने के लिए, खास करके इसको जो समस्या आ रही थी उसको समाधान के लिए इसको प्रोग्राम या इसको असेंबल किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो एनियक करेक्ट आंसर, और इसको किसके द्वारा अगर पूछे किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो ये आपके पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल या कंप्यूटर अमेरिका के द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है बहुत बार बताया हूँ, तो माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 399 का 399 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है यहाँ पे जाने माने कंपनी है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, एक कंपनी है, सभी को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी, सुने होंगे नाम, तो ये आपके सॉफ्टवेयर ये आपके बनाती है कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? तो याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी है, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, तो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह ये आपका तैयार करती है, तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया था, तो 1975, याद रखिएगा। तो 1975 की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, संस्थापक कौन है? तो आपके बिल गेट्स और पॉल एलन, तो इन दोनों के द्वारा इनके द्वारा स्थापना किया गया था।
इसके मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में इसके मुख्यालय है, और इसके सीईओ कौन है तो सत्य नडेला इसके अभी सीईओ भी हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आई थिंक मैं इस लगभग मेरे को याद नहीं है, लेकिन बहुत बार इसको मैं बता चुका हूँ, शायद आपको अगर डेली बेस पे मेरे से क्लास लेते होंगे तो आपको पूरा रट गए होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक को मैं जस्ट बताया हूँ, बिल गेट्स या आपके सबीर भाटी नहीं, आपका पॉल एलन है, पॉल एलन बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक है। तो इसका सी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वो सीईओ कौन है तो सत्य नडेला इसके सीईओ भी हैं और इसका अध्यक्ष भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब किया था तो आपके 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना किया गया, तो इसको याद रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे घुमा के पूछ सकता है, तो हमको पूरे में से पूरे नंबर लाना है, ये उद्देश्य बना के चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं WWW का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वर्किंग वेब, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है आपका WWW का, तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके एग्जाम में आए तो क्वेश्चन को याद रखिए, किस लिए काम आता है आप तो सभी जानते हैं, गूगल में आप रोज सर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फ़ोन को या आपके इंटरनेट को। ये आपके हाल ही के एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसको कर्तव्य पथ के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इंटरनेट को सूचना राजपथ इसको कहा जाता है, करेक्ट आंसर है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो जब भी आए सूचना राजपथ तो आपको इंटरनेट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल के जन्म बताता किसे कहा जाता है, बिल गेट्स को, टिमोथी बिल को, या आपके लिंकन कोलिट्सबर्ग को, या आपके रे टॉमलिंसन को। तो बहुत बार इसको भी बता चुका हूँ आपको, ये भी रट गया होगा अगर डेली बेस पे पढ़ रहे होंगे तो ईमेल का जन्मदाता आपको, या इसके जो आविष्कारक किसको कहा जाता है, तो इसके जनक, जन्मदाता, आविष्कारक, किसने विकास किए, जितने भी एग्जाम में घुमा के पूछे आंसर आपको रे टॉमलिंसन लेना है, तो याद रखिएगा। इन्होंने लगभग 74 साल की एज में जो रे टॉमलिंसन है, इन्होंने नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो रे टॉमलिंसन इन्होंने मैसेज भेजने के तरीका को खोज इन्होंने निकाला था। कहाँ के थे तो आपके अमेरिका के रहने वाले थे, तो ये आपके कंप्यूटर इंजीनियर थे। इनका जो एज मात्र 74 साल की एज में इन्होंने किया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ईमेल के जनक जो भी पूछे तो रे टॉमलिंसन आपको आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर भारत का पूछे, भारत में ईमेल की शुरुआत कब हुई है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जाते। भारत में ईमेल की शुरुआत कब की गई थी, ये आपके 1978 में, 1978 में भारत में ईमेल की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। और इसका जो इस्तेमाल है, या तो आपके जो शुरुआत हुई थी, ईमेल की शुरुआत हुई थी, खोज 1978 में हुई थी, पहली बार ईमेल का इस्तेमाल कब किया था, तो 15 अगस्त 1995, तो 15 अगस्त 1995 किया गया था, खोज 1978 में हुई थी, यूज 1995 में कब हुआ था, तो डेट को 15 अगस्त 1995 की किया था, तो इसको याद रखे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया, तो आईआईटी दिल्ली 1973 में, आईआईटी बेंगलुरु जो आपको 1971 में, या आपके आईआईएससीओ 1965 में, या डी आपका आईएसओ कोलकाता 1955 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो है आपके भारत में पहली बार कहाँ पे लगाया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान कोलकाता है, जिसको हम आईएसओ कहा जाता है, तो 1955 में इसको लगाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर कोलकाता में लगाया गया था, सांख्यिकी संस्थान भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, इसको याद रखिएगा। ये आपका, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, कहने का मतलब भारत में जो पहले बार जो कौन सा डाकघर है जो आपके इसको कंप्यूटरीकृत डाकघर बनाया गया था, तो आपके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई,
ये आपका चेन्नई नहीं है, ये आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु कोष्टक में कर्नाटक। तो याद रखिए, तो भारत के प्रथम कंप्यूटर के डाकघर आपका बेंगलुरु कर्नाटक है, याद रखिएगा। तो भारतीय डाक विभाग में यहाँ पे पहली बार इसको लगाया गया था, कौन से सन में लगाया था, तो 16 अगस्त 1986 में लगाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आए तो क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन यहाँ तक पहुँच पाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। और साथ ही साथ आपका स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा, थैंक यू।